माशे अब कीजिए माफ हमें, लाई खींचिए हिमक्रीम हमें यहाँ। नहीं वो सब तो ठीक है, मगर तुम हो कौन और हमारी आइसक्रीम चुराने क्यों आए हो? और तुम ये बल्लू जैसे क्यों बोल रहे हो? बल्लू जैसे? हाँ बल्लू जैसे नहीं हूँ मैं, कुत्ता बा। गया मर, हो गए 2 घंटे पूरे और गया दन में डूबा डूबा एक। इसका मतलब तुम चोर हो और हमारी आइसक्रीम चुराने आए थे। नहीं नहीं मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दिखेंगे। हाँ बहुत जगहों में देखा है ये। वो देखो रानी परी का सिंहासन, जहाँ रानी परी बैठती है और सभा बुलाती है। आओ। और ये देखो मैं, यही है वो जगह जहाँ से रानी परी सारे पृथ्वी लोक के बच्चों को देखती है और उनकी रक्षा करती है। इसका मतलब जब मैं रानी परी को बुलाती थी तो वो मुझे यहाँ से दिखती थी। हाँ बालवीर मुझे रानी परी से मिलना है, प्लीज प्लीज एक बार तो दिखा दो, एक बार सिर्फ एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी रानी परी भयंकर परी के वश में, मेहर हमें सबसे पहले अभी परी तारा ढूंढना है, करेक्ट? हाँ मैं। लेकिन बालवीर इतने बड़े महल में हम लोग परी तारा ढूंढेंगे कैसे? हमें तो उसका साइज नहीं पता, कलर नहीं पता, वो कैसा दिखता है हमें तो कुछ भी नहीं पता उसका, तो हमें वो मिलेगा कैसे? करोगे क्या याद तुम? ले भूखा। थैंक यू। चोर आइसक्रीम दे इधर, मैं पकड़ लिया आइसक्रीम चोर को, मैंने पकड़ लिया, मैं पकड़ लिया। क्या हो रहा है ये रॉकी, ये इतनी रात के क्या उधम मचा रखा है? मोटा भाई मैंने आइसक्रीम चोर हिम क्रीम चोर पकड़ लिया। अच्छा एक मिनट, ये कैसे हो सकता है, ये तो मना कर रहा है बेचारा। नहीं नहीं मोटे भाई यही है, यही है, देखो ना। चल तू बता रहा है तो देख लेता हूं। हाँ। ये तो बल्लू है। बल्लू है लगता, 5 मिनट हो गए पूरे, बन गया मैं फिर से बल्लू। हाँ रॉकी मुझे तो आइसक्रीम चोर तू लग रहा है, तेरे हाथ में कटोरा है आइसक्रीम का, मैं कैसे मान लूं कि बल्लू ने आइसक्रीम चुराई है? नहीं नहीं मोटा भाई यही चोर है, यही चोर है। अच्छा एक मिनट, बल्लू इधर देखिए कौन है। बल्लू नहीं लेकिन वो छोटा सा था, उसके बड़े बड़े कान थे। छोड़ छोड़ उसको, खींचो तेरे का खींचो कान खींचो। मगर मोटा भाई ये छोटा सा था, इसके बड़े बड़े कान थे। तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं सपने देखना बंद कर, हां जा। ओके जा बेटा तू भी जा। एक मिनट अब मैंने बोला था ना, एक मिनट कि इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ आइसक्रीम खाने आए थे, हिम क्रीम खाने आए थे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे दिन में कितने आइसक्रीम खाई है? हाँ पेट नहीं भरा
पेट नहीं भरा? पेट भर गया पर नहीं भरा दिल। हाँ, दिल नहीं भरा, दिल नहीं भरा। चुप चुप चुप, दिल नहीं भरा के बच्चे। ला आइसक्रीम का कटोरा मेरे हाथ में दे दे। नहीं रॉकी, आइसक्रीम का कटोरा मेरे हाथ में दे। ओके। हाँ, गुड बॉय। चलो जाके सो जाओ। नहीं मुझे। ए, 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 तु, क्या तू भी चलो 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 जाके सो जाओ। चलो 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 कमॉन 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 क्विक चलो 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 यस चलो पटाफट। चलो 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 शैतान। बच्चों के चक्कर में मैंने तो आइसक्रीम खाई नहीं थी। एक आजकल वाह बढ़िया। मैं तुम सही कह रही थी, इतने बड़े रानी महल में परी तारा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। अरे बालवीर, तुम्हें याद है नटखट परी ने हमें परी तारा के बारे में एक पहेली बताई थी? हाँ, नटखट परी ने कहा था कि बालवीर, परी तारा परी महल में कहीं रखा है पर कहाँ रखा है ये नहीं पता। हाँ, एक पहेली है जिसे सुलझाकर तुम परी तारे तक पहुँच सकते हो। सौ सूरत सा चमके एक तारा, बल में कर दे रोशन जग सारा, परीलोक में छुपा वहां पर एक मुकुटधारी परी का स्थान। जहां पर मुकुटधारी परी, मुकुट तो रानी परी पहनती है और रानी परी का स्थान तो यही है, उनका ही महल। और फिर बालवीर, ये परी तारा की पहेली है, इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। मुकुटधारी परी का स्थान कौन सा हो सकता है? वो स्थान बाजी, परी तारा मिल गया। कहाँ? वहाँ। पर वो तो रानी परी का सिंह, रानी परी का सिंहासन, मतलब उनके बैठने का स्थान, वह महल। चलो इसमें तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ परी तारा हो सकता है। नहीं मैं, मुझे लगता है कि परी तारा यहीं कहीं है, पीछे, शायद पीछे होगा। चलो बालवीर, मुझे लगता है ये पहेली हम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आई। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो रानी परी के कमरे में चलते हैं। हाँ ये साइन तो मैंने कहीं देखा है। इसी में परी तारा है शायद। भाग दौड़ बेवकूफ। अरे पर परी भयंकर, वो ज्वालामुखी, वो फूटा कैसे? है लगता मुझे है गिराया किसने बम का गोला उसके अंदर। ये ज्वालामुखी हमारे लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि वो परी तारा के काफी करीब है और जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी पार करता जाएगा
यहाँ पर ज्वालामुखी एक एक करके फूटता जाए। गया समझ मैं परी भयंकर, जितने ज्यादा फूटेंगे ज्वालामुखी उतना ही ज्यादा पूरा होगा सपना मेरा प्रधानमंत्री बनने का और आपके रानी बनने के। जरा तू होके सचेत, सर सर सरक रही रेत, सरकने से पहले सारी रेत, जानना होगा तुझको भेद। सूरज की सबसे पहली किरण परी लोक में गिरे जहां, इस अद्भुत चाबी का ताला मिल पाएगा तुझे वहां। जो न मिल पाया ताला रेत सरकने से पहले, रास्ते सारे परी तारा पाने की हो जाएंगे बंद समझ ले। अच्छा तो ये परी तारा नहीं, परी तारा के ताले तक पहुंचने की चाबी है। हाँ, और वो ताला हमें रेत के नीचे सरकने से पहले ढूंढना है। हाँ मैं, और ये ताला वहाँ पर है जहाँ परीलोक में सूरज की पहली किरण गिरती है। लेकिन परीलोक में ऐसी कौन सी जगह है ये मुझे नहीं पता। ये भगवान मुझसे पूछ, मुंबई में सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है मुझे पता है। तुम परीलोक में रहते हो इतना नहीं पता? मैं पहले सूरज की किरण कहाँ गिरती है वो देखने के लिए परीलोक में नहीं रह रहा था, समझी? अब थोड़ी शांति रख। हाँ, एक जगह है जहाँ से पता लग सकता है कि सूरज की पहली किरण कहाँ गिरती है। मैं, तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, तुम्हें सूरज निकलने से पहले उस जगह पे पहुँचना होगा। चलो किसी तरह गायब हो जाते। गायब तो नहीं हो सकते लेकिन लटक तो सकते हैं ना। लटक? सुनाई दी आवाज बालवीर की मेरे कानों को, क्या वो आया है यहाँ पर? है, आज मैंने तुमसे एक बात सीखी। मुझसे? क्या? मैं हर मुसीबत से बचने के लिए जादुई डंडा होना जरूरी नहीं है। बालवीर तुम्हारे पास वो चाबी है ना? मेरी पोटली में ही है। अब जल्दी चलो नहीं तो सूरज निकल आएगा। जल्दी बालवीर, अगर तुम ये सोचो कि उस चाबी का ताला तुम्हें इस पहाड़ के ऊपर मिलेगा तो आई थिंक तुम गलत सोच रहे हो। थोड़ी देर रुको, अभी पता चल जाएगा। से पहले हमें उस पेड़ तक पहुंचना होगा। हाँ बालवीर, पर हम उतनी दूर पहुंचेंगे कैसे? ये रेत तो देखो कितनी जल्दी नीचे सरक रही है। और बालवीर, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो हमें परी तारा कभी नहीं मिलेगा, और अगर तारा नहीं मिलेगा तो सारी परियों का वश नहीं टूटेगा, और अगर वो वश नहीं टूटा तो धीरे धीरे वो भयंकर परी सबको अपने वश में कर लेगी। चलो महर। कहाँ? चलो। क्या बात है बस, आज एकदम रिलैक्स लग रहे हो। रिलैक्स ही क्यों, मैं तेरे को रिलैक्स ही क्यों।
सॉरी सॉरी, लग रहा है आप बहुत टेंशन में हो। आपको एक आइडिया देता हूँ, चलो आइसक्रीम और पिज्जा खा के आते, मस्त टेंशन दूर हो जाएगा। इधर मार खाने के दिन आ गए और तुम दोनों को आइसक्रीम खाने की पड़ी है। ना मैं वो मोबाइल तोड़ने का आइडिया देता, ना वो मेहर वापिस आती। जिधर मेहर उधर बालवीर, बालवीर भी वापस आ गया होगा पक्का। किसने मारी बॉल? किसने मारी? सामने आओ, अगर मोंटू की गाड़ी को लग जाती तो, और मोंटू को भी लगा। किधर है तू? कौन है? हिम्मत है तो सामने आके बता। ए, इधर देख, मैं सामने खड़ा हूँ। तूने मोंटू को बॉल मारी? अगर मोंटू की कार को लग जाती तो? मोंटू की कार है तो मोंटू को बुला ना, तू क्यों इतना भड़क रहा है? मोंटू मैं ही हूँ और ये मेरी कार है। हाँ? बच्चों की कार चलाते है? तू मोंटू को बच्चा बोल रहा है? मोंटू सब बच्चों का बॉस है, समझा ना? चल अभी सॉरी बोल। बोल सॉरी। ए, नहीं बोलता, क्या कर लेगा? ए पिद्दी, इज्जत से बात करेगा, इज्जत से, समझा ना? ए, अगर टेंशन नहीं देने का मेरे को, नहीं तो? नहीं तो क्या, क्या कर लेगा तू? अरे मोटे नीचे उतार। नहीं तो क्या कर लेगा तू? तेरी तो नीचे उतार। नहीं उतारूंगा तेरे को, क्या कर लेगा? पाजी को बुला लूंगा। क्या? सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज, बालवीर को मत बोलना कि मैंने आपको परेशान किया, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो भड़क गए बॉस। सॉरी सॉरी, ये बोल दे। सॉरी बॉस। ठीक है अब सॉरी का रिकॉर्ड बंद कर। हाँ मोंटू, इस बालवीर ने तो तेरे रेपुटेशन की वाट लगा के रखी है। अरे मोंटू, अब तुझसे तो एक बच्चा भी नहीं डरता। अरे यार मोंटू, तू बिना बात का डर रहा है उस बालवीर से। जब से वो बालवीर उस मोबाइल में गया है, तब से वो किसी को दिखाई भी नहीं दिया, और तब से उसने किसी बच्चे को भी नहीं बचाया है। हाँ, अभी मलाड में एक छोटे बच्चे को तेरे जैसा मोटा गेंदा तंग कर रहा था। मेरा मतलब है कि हेल्दी और फिट बच्चा, और उसने बालवीर बालवीर चिल्ला, लेकिन बालवीर नहीं आया, और उसकी चिल्लम चिल्ली सुन के बाकी सारे बच्चे इकट्ठा हो गए और उस मोटे गेंद को खूब धोया। देखा, बालवीर नहीं आया फिर भी बच्चे बच रहे हैं। पूछो अगर वो आएगा तो क्या होगा? नहीं आएगा, अब बालवीर जा चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा? तेरे को कंफर्म करना है। हाँ। जा और मानो को एक झपट लगा के, और फिर वो होगा तो मेरी बहन बजा देगा। ये मानो को थप्पड़ मारने वाला आइडिया जमा नहीं यार, कुछ और सोचो। बॉस, बॉस, वो देखो उधर। अबे मैं इतना टेंशन में हूँ और तेरे को आइसक्रीम खाने की पड़ी है। अरे आइसक्रीम वाले को मत देखो, उसके सामने जो लड़का खड़ा है उसको देखो। हाँ यार, ये तो बल्लू है जो मानो मेहर के घर में रहता है। हाँ बॉस, और इसे उसका सब राज पता होगा कि बालवीर वापस आया है या नहीं, उनकी दोस्ती कैसे हुई बालवीर से, और सब कुछ। क्या आइडिया दिया यार। बल्लू मैं आ रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.